नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का जो नोटिस आया था, जो निर्णय लिया गया था, उसको लेकर यहाँ पर सभी अखबारों ने खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया। और यहाँ पर दो और बड़ी अपडेट, नई अपडेट हैं हमारे पास, एक MDU की, दूसरी KU की। तो इसी बारे में विस्तारपूर्वक आपको इस वीडियो में बताएंगे। अंत तक वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियोज़ हम लगातार अपडेट लेकर आते रहते हैं। ऐसी वीडियोज़ अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कहा गया कि ऐसा पहली बार हुआ है, उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने फाइनल की परीक्षा करवाने का आदेश बदला। तो यहाँ पर जो 12 तारीख को जो पहले नोटिस आया था, उसमें यहाँ पर कहा गया था कि एग्ज़ाम होंगे, अगर वो एग्ज़ाम होते तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने पड़ते और जो रिजल्ट आता वो अगस्त में आता। लेकिन अब जो नया नोटिस आ गया, जो 12 तारीख वाला नोटिस है, उसको मॉडिफाई किया गया है। अब छात्रों को एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, बहुत सारे छात्र जो है वो प्रमोट हो जाएंगे। लाखों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट जो भी यहाँ पर उनके हैं या प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं, उसके आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो MDU के परीक्षा नियंत्रक हैं, उनका ये कहना है, जो MDU के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु हैं, उनका यह कहना है कि अब परीक्षा नहीं होनी है। ऐसे में सभी कॉलेजों व विभागों से स्टूडेंट्स की प्रमोशन के लिए जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, जो एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो मंगवाया जाएगा। वहाँ पर जो प्रोजेक्ट के अवार्ड ने असेसमेंट के रिजल्ट मंगवा लिए जाएंगे। इसी प्रक्रिया के लिए कॉलेजों में लगभग 20 दिन का समय लग सकता है, इसके बाद ही परिणाम जारी हो सकेगा, यानी लगभग 20 जुलाई तक परीक्षा परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये नया आदेश आया, इसके तहत जो MDU के अंतर्गत जो छात्र थे, जिनको अभी जो डेट शीट MDU ने जारी की थी, ऐसे 1.25 लाख छात्र थे जिनको एग्ज़ाम देने पड़ते, जो यहाँ पर MDU ने डेट शीट जारी की, तो यहाँ पर उन छात्रों को भी बड़ी राहत मिली है। तो यहाँ पर प्रमोशन का फार्मूला बताया गया, जो यहाँ पर कि 50% इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट के आधार पर और 50% जो प्रीवियस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसके आधार पर अंक लगाए जाएंगे। पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया 40% रहेगा। तो ये जो बात है, ये सब के लिए लागू होती है, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, चाहे डिस्टेंस के हो, किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हों जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो हरियाणा से जो बाहर के स्टूडेंट्स, उनको तो पहले यहाँ पर प्रमोट करने के लिए सरकार द्वारा कह दिया गया था, लेकिन अभी जो MDU ने डेट शीट जारी की थी, उसके बाद लगातार स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कोर्ट में केस भी किया गया था, और उसी के चलते यहाँ पर हरियाणा सरकार को झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी का जो योगदान था, जो छात्र संगठन है उनका भी जो योगदान रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी कारण जो है, जो मुहिम चली थी, उन मुहिमों के कारण भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उन मुहिमों का, आप सभी का जो योगदान है, वो कहीं ना कहीं रंग लाया है। आपकी मेहनत रंग लाई है, स्टूडेंट्स यूनियंस है उनके जो है प्रयास रंग लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया, ये देखिए, जो सरकार ने फाइनल ईयर और रियर ईयर के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। छात्र युवा संघ समिति के जिला अध्यक्ष लोकेश ने बताया कि छात्र युवा संघ संघर्ष समिति और छात्रों के लगातार विरोध के बाद हरियाणा सरकार को आज बैकफुट पर आते हुए अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जो पहले कहा गया था कि रीवालों की रिकैरी फॉरवर्ड करने के बारे में और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेने के बारे में, और MDU ने जो डेट शीट जारी की, उसके बाद लगातार जब विरोध प्रदर्शन जारी हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा गया, स्टूडेंट्स को प्रमोट करवाने को लेकर, पास करवाने को लेकर, एग्ज़ाम कैंसिल करवाने को लेकर, जो यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर मांग पत्र सौंपे गए, विरोध किए गए, उसी का यहाँ पर असर देखने को मिला कि हरियाणा सरकार को बैकफुट पर आते हुए अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और इन सो का कहना है कि छात्रों को राहत मिली है। और NSUI के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अमन, उनका कहना है कि छात्रों के हित में लड़ेगा संगठन, सच्चाई की विजय हुई है। वशिष्ठ ने प्रदेश सरकार पर इस विजय के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों व प्रदेश की समस्त छात्र शक्ति को सराहा। उन्होंने कहा कि उनका संगठन छात्र हितों की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहेगा। तो यहाँ पर अगर जो रिपेयर वाले हैं उनको लेकर यहाँ पर जो थोड़ा संशय बना होता, तो जो नोटिस है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया, आपको दिखा देते हैं, पहले पॉइंट में साफ तौर पर यह कहा कि सभी एग्ज़ाम जितने भी होने थे वो नहीं होंगे जो इस बार होने थे, और जो स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे उनको 50% इंटरनल असेसमेंट या असाइनमेंट के आधार पर प्लस 50% उनके जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में नंबर आए उसके आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा। और अगर बाद में इंप्रूवमेंट के लिए स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो एग्ज़ाम ले सकती है, लेकिन इसके लिए जो स्टूडेंट्स भी तैयार होने चाहिए, स्टूडेंट्स के पास भी एग्ज़ाम दे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकती हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट्स भी राजी होने चाहिए, स्टूडेंट्स भी तैयार होने चाहिए। अगर स्टूडेंट सहमत नहीं है तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेंगी ऑनलाइन, अगर स्टूडेंट सहमत होंगे तो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, ये सबसे जो यहाँ पर जो खास पॉइंट और सबसे ज़्यादा जो है रीअपीयर वालों की परेशानी, तो इसमें साफ तौर पर यह गया, जिन स्टूडेंट्स की प्रीवियस एग्ज़ाम्स की जो
एकेडमिक कैरियर्स हैं उनको भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा अगले सेमेस्टर में। और जो रीअपियर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नंबर दिए जाएंगे, जो उनके प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उसके आधार पर उनको नंबर देकर प्रमोट किया जाएगा। और ये जो भी इस नोटिस में जितनी बातें कही गई हैं, जो भी यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं, ये सारे निर्णय सभी स्टूडेंट्स पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, बीए का हो, बीएससी का हो, बीटेक का हो, किसी भी कोर्स का हो, चाहे वो रेगुलर से हो, चाहे वो डिस्टेंस से हो। डिस्टेंस एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, किसी भी तरीके से जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो रेगुलर से हो, डिस्टेंस से हो, सभी पर ये निर्णय जो आया है, जो ये नोटिस में जो बातें कही हैं, ये सभी पर लागू होंगी। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रीअपियर वालों का जो संशय बना हुआ था उसके लिए ये पॉइंट साफ तौर पर इसमें बताया गया है कि यहाँ पर रीअपियर वालों को लटका के नहीं रखा जाएगा, उनकी रीअपियर क्लियर की जाएगी जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए उसके आधार पर। तो यहाँ पर अभी जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से नोटिस आना है उसका इंतजार है, देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ क्या कहेंगी कि यहाँ पर कितना समय लग सकता है एग्ज़ाम तैयार करने को लेकर, और जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पर रीअपियर है उनसे मतलब उनको प्रमोट करने को लेकर यूनिवर्सिटी का क्या यहाँ पर पैटर्न रहेगा, क्या यहाँ पर पैंतरा यूनिवर्सिटी अपनाएगी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए जो ये एक और अपडेट है जो ये है KUK की, KUK ने 16 जून को सरकार को भेजा था बिना परीक्षा लिए विद्यार्थियों प्रमोट कराने का सुझाव, मिली मंजूरी, अब यूनिवर्सिटी व कॉलेजों के विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए होंगे प्रमोट। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी व कॉलेज के जितने भी छात्र हैं KUK और MDU, ये दो मेन यूनिवर्सिटी हैं, तो ये जो यूनिवर्सिटी जो निर्णय आएगा इनका, जो यहाँ पर इनकी बैठक के बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी यहाँ पर इनके द्वारा बताया जाएगा कि इनका ये पैटर्न रहेगा, इस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, तो कितना समय लगेगा रिजल्ट आने में, तो सारी बातों को लेकर और जो नोटिस है उस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा, उस नोटिस में जो कुछ भी बात होगी वो यहाँ पर जैसे ही सामने आएगी आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। देखिए समय कहा गया जो यहाँ पर जितने भी फाइनल ईयर के और रीअपियर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, तो रीअपियर वाले ज़्यादा चिंता में ना पड़े, सभी को प्रमोट किया जाएगा, ये यहाँ पर कहा गया है इस खबर में। और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जल्द ही कोई ना कोई नोटिस आने वाला है। आखिरकार अंतिम वर्ष और रीअपियर के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के लिए बिना प्रमोट करवाने के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए गए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने नोटिस में दिखाया कि जो रीअपियर वाले हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा, 12 जून को जो नोटिस आया था उसमें केवल फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करने का आदेश जारी हुआ था, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा लेने का आदेश जारी हुआ था। इसके विरोध में जो है लगातार स्टूडेंट संगठन आए, विरोध किया, धरने प्रदर्शन किए और मांगों को लेकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी को ज्ञापन सौंपा, कुलपतियों को ज्ञापन सौंपे, तो उसके बाद जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा जो कमेटी बनाकर मीटिंग की गई, मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए और सरकार को विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए, एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए, रीअपियर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सुझाव भेजे गए थे सरकार को कि उनको भी प्रमोट किया जाए। यहाँ पर कोरोना की महामारी लगातार फैल रही है, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इसका खतरा है, और जो दूर दराज से आने वाले स्टूडेंट्स उनकी भी बातें उठाई गई, स्टूडेंट्स की सब तरह की परेशानी जो है यूनिवर्सिटी द्वारा सरकार को बताई गई थी। और यहाँ पर देखिए सभी पाठ्यक्रमों की उच्च और तकनीकी शिक्षा के सभी टर्मिनल एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर और इंटरमीडिएट सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा, सभी को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया जाएगा। और ये जो रूल रहेगा ये सभी पर लागू होगा, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन वाले हों, चाहे प्राइवेट पर। तो जो नोटिस में कहा गया वही बातें यहाँ पर कही गई हैं। और यहाँ पर कहा गया कि देखिए MDU ने कर दी थी डेट शीट घोषित, सरकार की ओर से गाइडलाइन आने से पहले MDU रोहतक ने डेट शीट घोषित कर दी थी, छात्र संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई। तो यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है यहाँ पर छात्रों को प्रमोट करने का और एग्ज़ाम कैंसिल करवाने का, इससे सभी छात्रों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस मुहिम में जुड़े थे, जितने भी छात्र संगठन थे और जितने भी छात्र मुहिम में जुड़े थे, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर यह कहा कि जो यहाँ पर बैठक होगी, बुधवार को बैठक होगी, उसके बाद यहाँ पर अधिसूचना यानी कि कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। KU जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दीपक बब्बर ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से आए आदेशों को लेकर बुधवार को बैठक होगी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटीज़ के जो नोटिस आने हैं उसी का भी इंतजार हो रहा है कि यहाँ पर क्या यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहेगा, क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर मीटिंग करेंगी, इस जो ये नोटिस आया इस पर यूनिवर्सिटी चर्चा करेंगे, इसके बाद यूनिवर्सिटी जो है जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिसीजन लेंगी, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से अधिसूचना जारी होगी उसके बारे में यहाँ पर जल्द ही कोई ना कोई नई अपडेट आने की संभावना है। उम्मीद है कि यहाँ पर जल्द ही एक दो दिन तक कोई ना कोई यहाँ पर
यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो डिसीजन रहेगा वो जल्द से जल्द ले लिया जाएगा। जैसे एमडीओ का कहना था कि 20 दिन लगे, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स को प्रमोट करवाने को लेकर जो भी यहाँ पर चर्चा होगी उस बारे में बात की जाएगी। और लगातार ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है, बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहें। जैसे हम वीडियो डालें तो उसकी अपडेट आपको समय से मिल जाए और आप भी अपडेटेड रहें, जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ऐसी जानकारी लगातार हम लेकर आते रहते हैं। आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अभी जो यूनिवर्सिटी का नोटिस आना है उसका भी हम वेट करें। जैसे ही अपडेट मिलेगी वीडियो के माध्यम से जानकारी आप तक शेयर जरूर की जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।